यस, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल हमने इसका मीनिंग किया था, मीनिंग के साथ हमने फीचर्स और इम्पोर्टेंस कर ली थी। नाउ वी स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टू क्लासिफाई कम्युनिकेशन वी हैव थ्री बेसिस। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ चैनल यूज, अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड बीइंग यूज्ड। सो कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन थ्री बेसिस, चैनल, डायरेक्शन एंड मेथड। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हैं, वन वन मार्कर यहाँ से आराम से बन रहे हैं, थ्री मार्कर एक टाइप बन रही है, आराम से बन रही है, और वन लाइन टू लाइन में आंसर है इसका हर एक का, आप अपने हिसाब से नोट करते रहें। चैनल में फर्स्ट इज फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स के दैट कम्युनिकेशन जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू जा रही है। फॉर्मल चैनल्स कौन से हैं? जो हायरार्की बनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक दिस इज सीईओ, हम ये बात कई बार कर चुके हैं, दिस इज तीन तीन डिपार्टमेंटल हेड्स, तीनों के नीचे चार चार मैनेजर्स, मैनेजर एक मैनेजर के नीचे पांच पांच सुपरवाइजर, और एक सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स। जब इस फॉर्मल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन पास हो, प्रॉपर चैनल के जिसे हम कहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन पास हो, दैट इज फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मैनेजमेंट सेट करती है वो चैनल्स। जैसे हमने एक प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्केलर चेन, याद है वो स्केलर चेन प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होता है, वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। गैंग प्लैंक नहीं, गैंग प्लैंक बीच में से निकाल देना स्केलर चेन में से, मैं गैंग प्लैंक की बात नहीं कर रहा, वो शॉर्टकट था, तो उसकी यहाँ बात हो रही है, स्केलर चेन की बात हो रही है। मीन्स जब वर्कर जो है ही इज अलाउड टू कम्युनिकेट टू द सुपरवाइजर और फॉरमैन ओनली, उसका इमीडिएट बॉस जो है, सुपरवाइजर कैन कम्युनिकेट फॉर्मली विद द मैनेजर, मैनेजर फॉर्मली कैन कम्युनिकेट विद द डिपार्टमेंटल हेड, एंड डिपार्टमेंटल हेड विद द सीईओ। इन दिस वे द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर फ्रॉम अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट कम्युनिकेशन के फॉर्मल चैनल्स जो है वो किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, इसमें प्रॉपर चैनल नहीं तोड़ा जा रहा है। इन नो वे अ वर्कर इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद द मैनेजर, बिकॉज उसके बीच में फोरमैन सुपरवाइजर है, उसने जो अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है, कोई रिक्वेस्ट देनी है, कोई रिपोर्टिंग करनी है, उसने मैनेजर को नहीं करनी है, उसने सुपरवाइजर या फोरमैन को करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर वो प्रॉब्लम सुपरवाइजर या फोरमैन वो ठीक कर देता है, उसके हाथ की बात है, तो ठीक है, नहीं तो सुपरवाइजर जो है वो मैनेजर को बताएगा। वर्कर इज नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट फॉर्मली टू द मैनेजर, फॉर्मली मैं फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, doesn't mean कि वो हायर लेवल भी नहीं कर सकते, वो इनफॉर्मल है। When communication takes place through formal channels, formal organization set by the management, that is formal communication. And when it is informal, informal groups कौन से होते हैं? जो हम हमारी personal liking, disliking, love and affection के थ्रू बन जाते हैं, that is informal. हो सकता है एक departmental head और एक supervisor, अदरवाइज वो एक फ्लो में नहीं आते, इनके बीच मैनेजर भी आता है। हो सकता है कि वो दोनों जो हैं वो आपस में फ्रेंड है, तो जो आपस में वो इनफॉर्मली बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। एम आई क्लियर? फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मल चैनल्स आर बीइंग यूज्ड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मल चैनल नहीं यूज हो रहे, इनफॉर्मली कोई भी बात हो रही है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन बोल देते हैं। ये क्या होता है ग्रेप वाइन? ग्रेप वाइन क्या होता है? ग्रेप से पता ही होंगे, ग्रेप वाइन क्या होते हैं? ग्रेप्स क्या होते हैं? चलो अब फ्रूट्स नेम्स कर लें आपके साथ, ग्रेप्स क्या होते हैं? बिजनेस स्टडीज में फ्रूट्स नेम कर रहे हैं, ग्रेप्स भी नहीं पता, फिर मैं शुरू कहाँ से करूँ? अडवाणी से शुरू करूँ, वाटरमेलन से, वो क्या होते हैं वो पता होगा, फिर मैं मैंगो पे आऊँ, फिर मैं बनाना पे, फिर मैं ग्रेप्स क्या ऐसे करूँ? ग्रेप्स क्या होते हैं? ग्रेप देखे हैं सभी ने, फ्रूट होता है, जो ग्रेप वाइन है वो जो इसकी अंगूर की बेल होती है। ये देखिए अंगूर लगते कहाँ पे हैं, मैं तो ये बता रहा हूँ इसको ऐसा क्यों कहते हैं। अंगूर की जो बेल होती है उसके बढ़ने का कोई सिस्टम नहीं होता, जहाँ लगी हो इधर कोई बढ़ रही है, उधर कोई बढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है, पीछे भी बढ़ रही है,
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेपवाइन बिकॉज इसके इसमें भी र्यूमर ज्यादा फैलती है, अफवाहें ज्यादा फैलती हैं, इसका बेस कोई नहीं होता, जल्दी ये कम्युनिकेशन जो है फैल जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइम लेती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई टाइम नहीं लेती, जल्दी फैलती है और हर जगह फैल जाती है, बिना सिस्टम के फैलती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में चैनल कौन किया जा रहा है, सुपरवाइजर और वर्कर के बीच में बात है, पर सुपरवाइजर के बाद वो मैनेजर के पास, मैनेजर के पास वो डिपार्टमेंट हेड के पास है, एक चैनल है वहां पे। जबकि जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में कोई चैनल नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई चैनल नहीं होता, इट स्प्रेड्स लाइक अ ग्रेपवाइन एंड मोस्टली र्यूमर्स आर देयर इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फाइन, सेकंड बेसिस इज डायरेक्शन। डायरेक्शन में फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, कि वो हॉरिजॉन्टल है या वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल मींस जब दो सेम लेवल के पर्सन आपस में बात करते हैं, डिपार्टमेंटल हेड ऑफ वन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड इज कम्युनिकेटिंग विद द सेल डिपार्टमेंट हेड और ही इज कम्युनिकेटिंग विद द परचेस डिपार्टमेंट हेड, अ मैनेजर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज कम्युनिकेटिंग विद द मैनेजर इन द सेल डिपार्टमेंट। फाइन, वो जो है हॉरिजॉन्टल है, द पर्संस एट सेम लेवल दे आर कम्युनिकेटिंग। सेकंड इज वर्टिकल। वर्टिकल मींस जब दो पर्संस जो है वो सेम लेवल के नहीं है, जब फ्लो अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है। सपोज अ मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग विद द सुपरवाइजर, उसके नीचे वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या अ मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग विद द डिपार्टमेंटल हेड, अपने सुपीरियर के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल आगे जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है, एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन जब कोई पर्सन, कोई सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहा है, लाइक वर्कर कम्युनिकेटिंग विद द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर विद द मैनेजर, मैनेजर विद द डिपार्टमेंट हेड। डाउनवर्ड जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है वो। अपवर्ड जो कम्युनिकेशन है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, रिपोर्ट्स, सजेशंस। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस। फाइन, थर्ड बेसिस इज मेथड। मेथड में फर्स्ट है रिटन, बिल्कुल क्लियर है ये, व्हेन कम्युनिकेशन इज टेक्स प्लेस इन राइटिंग, दैट इज रिटन फॉर्म, ओरल व्हेन इट इज नॉट रिटन, जब हम बातचीत कर रहे हैं वो। एंड थर्ड इज जेस्चर, जब वो इशारों के साथ बात हो रही है, ना तो वो बोल के हो रही है, ना ही वो लिख के हो रही है, हम कल भी यही बात कर रहे थे। जेस्चरल कम्युनिकेशन, जब हम कहते कुछ नहीं है, लिख के भी कुछ नहीं देते हैं, लेकिन चल जाता है पता क्या बात क्या हो रही है। So these are the different types of communication. Any doubt? Let's start. Next topic is process of communication. Means the flow chart through which the communication is sent from the sender to the receiver. Right? First, इसमें first जो point है, that is the sender. Sender is a person who sends the information, who is expressing his ideas, his facts, figures, emotions, feelings. जो मैसेज सेंड करना चाहता है, जो कुछ बात करना चाहता है, he is the sender. Then is the message. मैसेज में उसके व्यूज क्या है, उसके आइडियाज क्या है, क्या वो सेंड करना चाहता है, उसके व्यूज, उसके फीलिंग, उसके इमोशंस, उसके फैक्ट्स, उसकी फिगर्स, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, दैट इज द मैसेज। यहाँ पे लिख लीजिए साथ में, इतना आप याद नहीं रख पाओगे, ऐसे बैठे रहोगे तो पॉइंट साथ में लिखा करो। मैसेज में आप लिखिए व्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स, फैक्ट्स, इमोशंस, ये लिखिए। देन इज एनकोडिंग ऑफ मैसेज। एनकोडिंग ऑफ मैसेज मीन उसने जो अपना मैसेज है प्रेजेंट कैसे करना है, उसने वर्ड्स में करना है, उसने पिक्चर्स में करना है, उसने वो फ्लो चार्ट में, जैसे मैं ये फ्लो चार्ट में कर रहा हूँ, किसी और टॉपिक की पिक्चर बन सकती है, वो पिक्चर में कर रहा हूँ, या मैं कुछ डायग्राम बना के, या मैं कुछ लिख के, कुछ और करके कर रहा हूँ, दैट इज एनकोडिंग ऑफ मैसेज। एनकोडिंग, उसे कोड करना, सो दैट कि दूसरे को समझ आ जाए। नेक्स्ट इज नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज मीन्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिससे जो कम्युनिकेशन के फ्लो में हर्डल और स्टैकल जाती है, वो सारी नॉइज है। नॉइज डजंट मीन शोर, सिर्फ शोर नहीं है, शोर भी है, नो डाउट शोर भी है। नॉइज मीन्स वो सारी चीजें जिसके साथ हर्डल्स क्रिएट होती हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती हैं इन द पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन, वो सारी नॉइज है।
जैसे आपको बोला जाता है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, तो किसी के वो किसी कोई घर में आवाज आ रही होती है, फटाफट अपने आप को म्यूट कर लेते हैं, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, दैट क्रिएट्स अ बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए डरते आप कभी अपने आप को अनम्यूट करते भी नहीं हो, क्लास में कभी आप म्यूट नहीं होते हो, और वर्चुअल क्लास में कभी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करते हो। पता नहीं ऐसी कौन सी आवाजें हैं जो आपको लगता है कि डिस्टर्ब ना हो जाएगी, जबकि आपको टीचर केवल कह भी देता कि अपने आप को अनम्यूट रख लिया करो, हम फिर भी नहीं करते। जिसके कोई आवाज आ रही है, जिसको लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई गली में वेंडर आ गया है, आस पास बैठे भाइयों को ला करिए बात की बात कर ली, बट टीचर ही सेम कि आप कर लो, नो प्रॉब्लम। और सिर्फ यही नॉइज नहीं है, इसके अलावा कोई टेलीफोन में सपोज बात कर रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए, वो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, बीच में कोई नेट इश्यू आ जाए, वो भी है, कोई भी बैरियर है। मैं कोई बात ऐसी करूँ आपको समझ ना आए, वो भी एक बैरियर है। कोई आप क्वेश्चन पूछो मेरे को समझ ना आए, वो भी एक बैरियर है। मैं कहूँ कुछ और आप कुछ और समझ लो, वो भी एक बैरियर है, वो भी हमारे से मीन्स नॉइज जो है इट इज टोटली मीनिंग क्या है टोटली इसका, कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स, वो सारे बैरियर्स जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में फ्लो में आ रहे हैं, वो सारे नॉइज। और ये नॉइज जो है इट इज फ्रॉम सेंडर साइड, बिकॉज वो सेंडर पे ही है, सेंडर साइड। ठीक, देन इज मीडिया। मीडिया मीन्स कि उसने अपने जो डाटा, अपने जो मैसेज है उसे कैसे एक्सप्रेस करना है, राइटिंग फॉर्म में करना है, फेस टू फेस होकर करना है, उसने कोई मेल सेंड करनी है, उसने कोई ऑनलाइन करना है, ये सारा मीडिया है। समझ आ रही है बात? ठीक है, मेरा मैसेज मेरा था कि मैंने ये करवाना है, टॉपिक मैंने ये करवाना है। एनकोडिंग ऑफ मैसेज मीन्स मैंने उसको फ्लो चार्ट में करवाना, मैंने डायग्राम बना करा लिया। मीडिया क्या है, मैंने कराना कैसे है, बच्चे मेरे आसपास बैठेंगे मैं नोटबुक पे कराऊंगा, बच्चे मेरी क्लास में आएंगे मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, या मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, दैट इज द मीडिया, विच मीडिया आई एम यूजिंग। नेक्स्ट इज डीकोडिंग ऑफ मैसेज, जो मैंने एनकोडिंग करी थी अब आप वो डीकोडिंग कर रहे हैं। सेंडर जो है वो एनकोडिंग करता है, वो उसको पिक्चर्स वगैरह में, वर्ड्स वगैरह में, जेस्चर्स वगैरह में वो जो है वो करता है उसको, आप उसको उसी वे में समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज डीकोडिंग। जिस वे में कहा गया उस वे में समझा गया। नेक्स्ट इज नॉइज, दिस नॉइज इज फ्रॉम योर साइड मीन रिसीवर साइड। नॉइज यहाँ पे दो इसलिए है कि दो बारी हर्डल्स हो सकती है, एक बारी सेंटर की साइड से भी हो सकती है और दूसरी बारी वो रिसीवर साइड से भी हो सकती है जो आपकी साइड से है। अगर सपोज अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन, अभी मेरा कनेक्शन जो है वीक हो जाए इंटरनेट का, तो वो नॉइज ये वाली सेंटर साइड से। अगर वो आपका कनेक्शन वीक हो रहा है वहाँ पे, या आप कहीं लॉग आउट कर दी, तो ये नॉइज है। नॉइज ही है, सारी ऑब्स्टेकल्स ही हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ही हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड देन इज फीडबैक। फीडबैक मीन्स ऑल दोज स्टेप्स बाय विच द सेंटर कैन कम टू नो कि आपको बात समझ आई भी है या नहीं है, सुन ली है नहीं सुनी है। नहीं, बात यहाँ सुनने या ना सुनने की नहीं है, बात यहाँ समझ आने या ना समझ आने की है। हमने ये कल भी बात करी थी, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे कंप्लीट कैसे होगा, व्हेन व्हाटएवर द सेंडर हैज सेंट इन द सेम वे द रिसीवर हैज रिसीव्ड इट, देन द कम्युनिकेशन इज वी कैन से सक्सेसफुल प्रोसेस। तो फीडबैक में ऑल दोज स्टेप्स विच द सेंडर टेक्स, जो सेंडर ने सेंड किया, जो उसने बताया, रिसीवर को वही समझ आया कि नहीं है। जैसे अगर आपसे बात करें, आपसे कुछ पूछें, तो आप जनरली चाहे ना पूछे ना, आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, तो ऐसे ऐसे करते, दिस इज फीडबैक। ये फीडबैक ही है जो आप बीच में दे रहे हैं, या आपको पूछे समझ आ गया सर, यस आ गया, या हाँ जी आ गया, या आप जेस्चर भी ऐसे कर देते हो, ये सारी फीडबैक्स हैं जिससे सेंडर श्योर हो जाता है कि वट एवर हैज बीन टोल्ड हैज बीन अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। अगर फीडबैक नो हो जाए, जैसे आप कहते हो ना सर ये समझ नहीं आया दोबारा करवा दो, फीडबैक सही ना हो, तो डॉटेड लाइन के साथ दोबारा सेंटर पे आ जाएगी बात, अगेन द प्रोसेस विल स्टार्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन सेंडर, देन मैसेज, चाहे वो अपना मैसेज चेंज करे, चाहे एनकोडिंग को चेंज करे, किसी अलग तरीके से बताए, या मीडिया चेंज करे, फिर आप उसको डीकोड अपने हिसाब से करो, सारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। रीजन बीइंग के फीडबैक जो आई है वो नेगेटिव आई है, रिसीवर को समझ नहीं आया। डन।
ठीक है ये बात। नेक्स्ट है आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मीन द पाथ थ्रू विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। ये हमने अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वहां भी किया, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, एक फॉर्मल चैनल थे, फॉर्मल कम्युनिकेशन थी, एक इनफॉर्मल थी, उसी की यहाँ बात हो रही है। वेरियस पाथ थ्रू विच द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक कर सकते हैं फॉर्मल चैनल, एक कर सकते हैं इनफॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैनल आर दोस चैनल विच आर सेट बाय द मैनेजमेंट। वो फ्लो चार्ट जो मैनेजमेंट सेट करती है, वो हायरार्की जो मैनेजमेंट सेट करती है, एंड देन द कम्युनिकेशन पासिस थ्रू दैट चैनल दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दोस चैनल्स आर नोन एज फॉर्मल चैनल्स। देन इसमें हम डिफरेंट चैनल्स की बात करेंगे। नंबर वन चैनल इज सिंगल चेन। बात याद रखना, हम फॉर्मल चैनल्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। सिंगल चेन, मैं हर एक चैनल की डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के साथ आपको समझ आ जाएगी। सिंगल चेन लाइक दिस, ये जो गोल गोल है दे आर एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज है और चैनल आप फ्लो देखिए, ऊपर नीचे हो रहा है। सिंगल चेन है मींस every person is allowed, formally allowed to communicate with the superior or subordinate, but immediate only. immediate superior, immediate subordinate. suppose ye a hai, ye b hai, ye c hai, aur ye d hai. b apne superior se baat kar sakta hai, a se, aur apne subordinate c se baat kar sakta hai, fine. d nahi b se baat kar sakta, b d se nahi kar sakta. information will go through video ko, jo beech mein hai person उसके थ्रू जाएगी, बिकॉज ये फॉर्मल है और मेन है सिंगल चेन। सिंगल चेन मीन्स एक चेन बनी हुई है, आपस में हम जो है वो क्लॉक कम्युनिकेशन कर रहे हैं टू द नेक्स्ट पर्सन ओनली। अगर उसको छोड़ के जाना है तो पहले बीच वाले को बीच में लेना पड़ेगा। मीन अगर डी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू बी, ही कांट ओवरटेक सी, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ही विल हैव टू गो टू द थ्रू द सी, थ्रू पर्सन सी, फाइन। सेकेंड इज सर्कुलर। सर्कुलर चैनल लाइक दिस, ईच पर्सन इज अलाउड टू कम्युनिकेट फॉर्मली विद द पर्सन टू हिज लेफ्ट और राइट ओनली। अगर ये मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, तो ए जो है वो सिर्फ बी और ई के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ए का सी और डी के साथ आपस में कोई रिलेशन। अगर उसको डी से बात करनी है फॉर्मली, तो उसका पाथ है ए ई डी या ए बी सी डी। डायरेक्टली जो है कम्युनिकेशन कोई भी पर्सन किसी के साथ नहीं कर सकता, सर्कुलर में सिर्फ अपने लेफ्ट और राइट के साथ कर सकता है बस। यहाँ पे बैठा हुआ सी, कोई लाइन नहीं है इनकी आपस में, ए बी डी के साथ, सी के साथ, बी ई ई के साथ, डी के साथ, कोई लाइन नहीं है। जो फ्लो कम्युनिकेशन पास हो रहा है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में है। देन थर्ड इज बीम। बीम नेम से क्लियर हो रहा है, हर एक चैनल का जो नेम है उसका वो डायग्राम भी क्लियर करेगा। बीम बीम में जो कम्युनिकेशन है, ये जो सेंटर में पर्सन बैठा हुआ है, ही इज द मैनेजर। जो सेंटर में जो ये है, ये सारे सबोर्डिनेट्स हैं, चारों के चारों सबोर्डिनेट्स, और ये मैनेजर है। एवरी इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग पास्ड इज पास्ड थ्रू द मैनेजर, सी द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी सबोर्डिनेट है आपस में जुड़ा हुआ है, देखिए कोई लाइन आपस में जुड़ी हुई, हरेक जो सबोर्डिनेट जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो थ्रू मैनेजर कर रहा है। अगर सपोज इस सबोर्डिनेट ने ये वाले सबोर्डिनेट के साथ बात करनी है, ही हैज टू गो थ्रू द मैनेजर। मैनेजर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एवरी कम्युनिकेशन। कहीं भी आपस में इनका कोई लिंक नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और मैनेजर जो सेंट्रल लिंक है बीच में, ही इज नोन एज हब ऑफ द बी। हब, एच यू बी, हब मीन सेंटर में जो बैठा हुआ है। एवरी इंफॉर्मेशन विल पास थ्रू द मैनेजर।
आपस में कोई फॉर्मली कम्युनिकेट को नहीं कर सकते. दिस इज व्हील. नेक्स्ट इज फ्री फ्लो. फ्री फ्लो नंबर फोर. फ्री फ्लो नेम के साथ क्लियर हो रहा है. फ्री फ्लो मीन्स व्हेन एवरीबॉडी इज अलाउड टू कम्युनिकेट टू एनीबॉडी. कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. सर्कुलर वाली डायग्राम में जो हमने सिर्फ लेफ्ट साइड में कम्युनिकेट किया हुआ था, इसी डायग्राम को आगे एक्सटेंड कर दीजिए. हर एक पर्सन को हर एक पर्सन के साथ जोड़ दीजिए. सी हर पर्सन जो है हर एक के साथ, ए जो है बी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, सी के साथ भी कर सकता है, डी के साथ भी, ई के साथ. एवरी पर्सन इज अलाउड टू कम्युनिकेट टू एनी पर्सन इन द हायरार्की. दैट इज फ्री फ्लो. कम्युनिकेशन फ्री फ्लो हो रही है. एंड इसमें लास्ट जो है इनवर्टेड वी. इनवर्टेड वी लास्ट वाला, फिफ्थ वाला जो आपका ये है इनवर्टेड वी. वी यहाँ पे ये सबोर्डिनेट, ये सबोर्डिनेट, ये इनका बॉस और ये इसका बॉस. राइट. सपोज ये ए है, ये मिस्टर बी, ये सी और ये डी. सी और डी जो है सबोर्डिनेट्स है. सी और डी का बॉस है बी, बी का बॉस है ए. इन दिस केस सी एंड डी ऑफ कोर्स दे कैन कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर दैट इज मिस्टर बी. ये जुड़ी हुई लाइन के साथ फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन का. राइट. सी एंड डी आर आल्सो अलाउड टू कम्युनिकेट विद मिस्टर ए, बॉस ऑफ द बॉस. मीन्स एक चैनल आप पार कर सकते हैं. बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है. सी और डी ये देखो बी के साथ भी कर रहे हैं कम्युनिकेट, दे आर अलाउड टू डू दिस. और उधर से सी ए के साथ भी कर रहा है और सी जो है वो डी जो है वो भी ए के साथ कर रहा है. दिस इज इनवर्टेड बी. इनवर्टेड मीन उल्टा, उल्टी बी है. इन दिस केस एन एम्प्लॉई इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद द बॉस, हिज इमीडिएट बॉस मीन्स, एंड बॉस ऑफ द बॉस. ऑफ कोर्स जो इसके साथ कम्युनिकेट करेगा वो डिटेल में कर सकता है, लेकिन अपने बॉस के साथ मींस व्हेन सी एंड बी विल कम्युनिकेट विद ए तो वो थोड़ी प्रिस्क्राइब्ड सी कम्युनिकेशन होगी. ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगी, प्रिस्क्राइब्ड होगी वो कम्युनिकेशन, थोड़ी होगी. ज्यादा कम्युनिकेशन वो बी के साथ करेंगे. अदरवाइज दे आर अलाउड टू कम्युनिकेट विद बॉस ऑफ द बॉस आल्सो दैट इज मिस्टर ए. दिस इज अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसके चैनल हम कल करेंगे. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा.